कोठी से विक्रम नगर फोर लेन तक एक नई फोर लेन का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस महत्वपूर्ण सड़क का भूमि पूजन किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोठी से विक्रम नगर फोर लेन सड़क तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधिवत किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य प्रताप मेहता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंहल आदि उपस्थित थे। बेड़ा 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 अरे बेड़ा महाराज की जय, सिद्धि मैया की जय, महाराणी की जय। अध्यक्ष जी को बुलाओ यार, मुझे देखो अध्यक्ष जी, देखो बेचारे इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि फोर लेन के बन जाने से कोर्ट में आने वाले व्यक्तियों को आसानी रहेगी। विक्रम की नगरी उज्जैनी न्याय की नगरी भी है, इस हेतु आने वाले समय में अभिभाषकों एवं न्याय के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। के लिए आने वाली हेरिटेज बिल्डिंग के नाते से टूरिज्म वगैरह लेंगे, तो ऐसे में ये जो कैंपस हमारा है, वर्तमान का कोर्ट बिल्डिंग और उधर का प्रशासनिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, तो इसको बीच में ये खाली एक सड़क का भूमि पूजन नहीं हुआ, ये दूसरी सड़क का भूमि पूजन भी इसी में जुड़ा हुआ है। 16 लाख की लागत से इधर से भी आने के लिए रास्ता है, उधर से जाने के लिए भी रास्ता, तो 30 लाख और 14 लाख, तो 14 लाख वाला उधर वाला है, तो ये जो 30 लाख वाला इसको और बढ़ा दें, अभी हमने कहा निगम आयुक्त से, तो ताकि ये कोर्ट बिल्डिंग से बजाय कोठी बिल्डिंग से जुड़ करके ये डबल अपना रोड हो जाएगा। आने वाले समय में एक तरह से फोर लेन हमारे पास होगा, तो ये जो उधर से जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि कोर्ट बिल्डिंग अकेले नगर के लिए नहीं है, हम सबको मालूम है कि अब ये पीछे का रोड बहुत चलता है और फोर लेन है, उसके कारण से बड़े पैमाने पे हम सबको ये सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। आने वाले समय में जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है भाई साहब, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र की बिल्डिंग बने हैं उनके अलग अलग प्रकार से काम आए, तो आने वाले समय में अभी मास्टर प्लान में हो सकता है हम उसमें भी प्रस्तावित करेंगे। ये जो हमारे पास इधर के भी क्षेत्र में बहुत बड़ी विकास की संभावना है, आने वाले समय में लगातार विकास के इसी प्रकार से काम चलेंगे। सांसद फिरोजिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय आज ही लिया गया है, इस निर्माण से लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। आने वाले समय में विक्रमनगर स्टेशन के पास एक और रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे सीधे धतरावदा गांव की ओर आने जाने में सुविधा रहेगी।